हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ उत्तर प्रदेश की जीके को डिस्कस करेंगे। और जैसा दोस्तों आपको पता है, उत्तर प्रदेश की जीके एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंपटीशन में। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश में जितने भी कॉम्पिटिशन हैं, चाहे वो कॉन्स्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो लेखपाल या पटवारी का एग्ज़ाम हो, उन सब एग्ज़ाम्स में एक जीके का जो सेक्शन रहता है, और जीके के सेक्शन के अंदर स्पेशली उत्तर प्रदेश की जीके, जो स्टूडेंट के लिए एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है उसको कंप्लीट करना, इस पूरे सिलेबस को हमने लमसम 20 से 25 चैप्टर्स पे हमने इसको डिज़ाइन किया है, और हम सारे चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप इस सारी वीडियो को अगर आप देखेंगे, तो हमें ऐसी उम्मीद है कि आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों, एक एक करके हम इन चैप्टर्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे, और इसमें जितने भी लास्ट 10 ईयर्स में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इनके ऊपर पूछे गए हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे एमसीक्यू स्टाइल में, और कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो शायद आपने अभी तक उनको डिस्कस नहीं किया होगा, ना ही उनको रीड किया होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ये बताना चाहेंगे, यूपी के जो कॉम्पिटिशन है उसमें एक सेक्शनल कट ऑफ होती है, और जैसा हमने देखा है और जैसे स्टूडेंट्स के फीडबैक भी आते हैं, वो हमें बताते हैं कि कई बार बहुत सारे स्टूडेंट स्पेशली जीके के सेक्शन में एक जो सेक्शनल कट ऑफ होती है उसी को टारगेट नहीं कर पाते, और उनका एग्ज़ाम जो है वो रुक जाता है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी में बहुत एक्सपर्टीज़ होता है उनका, क्वांट्स में बहुत अच्छे होते हैं स्टूडेंट्स, रीजनिंग में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे जीके में अगर 40 क्वेश्चंस अगर आपके जीके में पूछे गए, तो उसमें अगर मैं एक 50% का सेक्शनल कट ऑफ लूँ, तो 20 क्वेश्चन आपको ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बताते हैं कि 17 और 18 क्वेश्चन ही हमारे ठीक हो पाए, और जबकि हिंदी में हमारे 50 में से 30 क्वेश्चंस ठीक थे, क्वांट्स में 50 में से 40 क्वेश्चंस, रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर था, लेकिन स्पेशली जीके की वजह से वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो दोस्तों, अभी जैसा हमने सुना था, सेक्शनल कट ऑफ भी थोड़ा कम कर दी गई है कुछ एग्ज़ाम्स में, उसको 35% कर दिया गया है, तो थोड़ा एक ये रिलैक्सेशन है आप लोगों के पास। तो अब हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं यूपी जीके को, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में उत्तर प्रदेश का क्या रोल रहा, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री हो, चाहे वो मेडिवल हिस्ट्री हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, उन सब में यूपी का क्या रोल रहा, और यूपी से जो रिलेटेड पर्सनालिटीज़ हैं, यूपी से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स हैं, या उत्तर प्रदेश के जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, या उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम नेशनल मूवमेंट में क्या इम्पॉर्टेंट रोल रहा, 1857 की क्रांति की अगर हम लोग बात करें, या अगर हम लोग बात डिस्कस करें प्राचीन भारत में हड़प्पा सिविलाइजेशन को लेकर, उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी साइट इम्पॉर्टेंट रही, या वैदिक आर्यंस का जो क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश में लेटर वैदिक एज में आर्यंस कहाँ तक आए, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ जो बहुत इम्पॉर्टेंट साइट रही हिस्ट्री में, चाहे वो प्राचीन भारत हो, चाहे वो मध्यकाल हो, और चाहे वो आधुनिक काल हो, इन सब साइट्स का उत्तर प्रदेश की जीके में क्या योगदान रहा, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी आपको एक सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की एक क्वेरी होती है कि सर, जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो हिस्ट्री का सिलेबस एक बहुत वाइड सिलेबस है, उस सिलेबस में हमको सबसे ज़्यादा फोकस किस में करना चाहिए, मतलब हमको एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी है, प्राचीन भारत, मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी है, मध्यकालीन भारत, या हम लोगों को आधुनिक भारत से स्टार्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, देखा गया है ज़्यादातर कॉम्पिटिशन में जो एग्जामिनर का फोकस होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री को वो ज़्यादा वेटेज देते हैं। उसके बाद अगर सीक्वेंस की बात करें, तो आप प्राचीन भारत को ले सकते हैं, और थर्ड नंबर पे आप मेडिवल हिस्ट्री को ले सकते हैं। तो अगर मैं बताऊं, तो मॉडर्न हिस्ट्री हम सबसे पहले कर सकते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पे एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कस कर सकते हैं, और थर्ड नंबर पे आप मेडिवल हिस्ट्री को वेटेज दे सकते हैं। तो दोस्तों, हम इन तीनों सेक्शन में आपके साथ डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की जीके।